ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि टॉरस व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू ये हफ्ता ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। बर्न आउट, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आप बहुत किसी चीज़ को लेके ना, जैसे कहते हैं ना कि यू वांट चेंज, थक चुके हैं आप वेट कर करके एंड मेहनत कर करके, बट योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट। सो एंजल्स कह रहे हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपका मेहनत है, वो ज़रूर रंग लेकर आएगी एंड यू विल गेट अ रिवॉर्ड जल्दी ही, ठीक है। अपनी हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, बिकॉज हो सकता है कि यू नो यू नीड टू सी द डॉक्टर, कनेक्ट, यू नो मतलब अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है तो रेगुलर चेकअप आप करवा सकते हैं। इट्स ओके, डरने वाली बात नहीं है, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी गुड। अचीवमेंट, एन्जॉय द लाइम लाइट। एंजल्स कह रहे हैं कि ऑफकोर्स यू आर वर्थ इट, आपने मेहनत की, आपने हार्डवर्क किया है, यू विल गेट द रिवॉर्ड एंड यू आर वर्थ इट। लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम। लव लाइफ में थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एंजल्स कह रहे हैं कि इट इज़ लाइक अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। और लेकिन आप अगर सही डिसीजन लेते हैं तो आप यू नो मतलब रिजॉल्व भी हो जाएगी। अगर आप अपनी तरफ से कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं, समझदारी से कोई कदम आगे बढ़ाते हैं, तो सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है, कुछ भी है वो लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, सो ऑल इन ऑल करियर के लिए टाइम अच्छा है, ग्रोथ के लिए टाइम अच्छा है, बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम अच्छा है, अचीवमेंट के लिए टाइम अच्छा है, लव लाइफ के लिए थोड़ा सा एंजल्स कह रहे हैं कि आपको संभल के चलने की ज़रूरत है और सही कदम उठाने की ज़रूरत है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेशली, अब ये तो जनरल मैसेजेस हो गए, लव लाइफ की अगर बात करें, ओके, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्लो दिखाई दे रही हैं। इधर यू आर वेटिंग फॉर समबडी, या तो आप पास्ट में से किसी का वेट कर रहे हैं या पास्ट में से डिटैच हो रहे हैं। थिंग्स आर गोइंग स्लो एट योर एंड, मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आप चाहते हैं किसी से कनेक्ट करना, यू वॉन्ट टू, बट स्टिल इट्स अबाउट रिजिस्टिंग। आप रिजिस्ट कर रहे हैं, आप लेट को नहीं कर पा रहे, या तो पास्ट हो सकता है और मे बी इट्स अबाउट लाइक ओवरऑल चीज़ें स्लो चल रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, देर इज़ अ लिटिल यू नो विशी वॉशी एनर्जी हम कह सकते हैं, वो ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों के दिखाई दे रही है, रनर चेजर वाली जैसे होता है ना, आपके पार्टनर की तरफ से स्पेशली ये हो सकता है। बट द आउटकम इज़ लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। आप कोई डिसीजन ले सकते हैं फाइनली, किसी यू नो कुछ नया कदम उठाना, आगे बढ़ना, बिकॉज यहाँ पे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है ये नई शुरुआत हो सकती है कि आप सोच रहे हैं सेपरेशन के लिए, अलग होने के लिए। ये उनके लिए है जो सेपरेशन के थ्रू चल रहे हैं, नॉट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। एंड फॉर अदर्स इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, ठीक है, कि आपकी आपके पार्टनर के साथ कोई नई शुरुआत हो सकती है, आगे बढ़ना, या मे बी इट्स अबाउट कोई डिसीजन लेना। सिंगल्स के लिए हो सकता है कि ये एक नया रिलेशनशिप आ रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर। तो सिंगल्स के लिए ये है कि कोई एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड इट इज़ वर्थ, मतलब जितने इतने साल आपने वेट किया है, आई थिंक फाइनली इट्स लाइक मतलब यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, और आपको तब महसूस होगा कि वाह इतना वेट किया, ओके, तो वो वर्थ है। दूसरा ये कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग, दैट मे बी इट्स टाइम टू यू नो फॉरगिव थिंग्स, मतलब पास्ट को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। एज़ यू नो रिलीज एंड हील द पास्ट, जब आप पास्ट को रिलीज कर देते हैं, जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको उस बारे में सोचना चाहिए। अब हस्बैंड वाइफ में ये होता है कई बार कि बात को आप लेके बैठे रहते हैं, यू हैव टू लेट गो, तो वहाँ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। एंड पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। डिपेंड करता है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो चुके हैं तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, इट्स लाइक फिर आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। और बाकी सबके लिए इट्स लाइक अगर रेगुलर फाइट्स हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स अबाउट कि
डिवाइन टाइमिंग, जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है. देर इज़ अ लविंग केमिस्ट्री. मुझे लगता है आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, वो बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है. तो आपका लिया हुआ अच्छा फैसला आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है. ये हफ्ता ऐसा दिखाई दे रहा है. चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि टॉरस के लिए करियर वाइज सीम्स टू बी गुड. स्टार्टिंग सीम्स टू बी गुड. ऐसा लगता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक विल ब्रिंग बैलेंस इन टू योर करियर. येस ऑफ कोर्स चीज़ें अच्छी हो सकती हैं. कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है. कोई लाइक आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, रिवॉर्ड चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो वो रिजल्ट मिल जाएगा. नॉट टू वरी टू मच, मतलब ज़्यादा वरी नहीं करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट थिंग्स मे यू नो टर्न आउट टू बी गुड फॉर यू, क्योंकि अचीवमेंट का कार है. ओके, सो अपने पर्सनल मैटर्स को अपने काम पे हावी मत होने दीजिए, मैं ये कहूँगी. एंड अदरवाइज सीम्स टू बी ग्रेट. टॉरस के लिए मुझे ऐसा लगता है ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है और आगे चल के इट कैन फ्लरिश. मतलब कुछ अच्छा, मान लीजिए कोई अच्छी पोजिशन, अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है. किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है. फाइनेंसिस कैन ड्रेस्टिकली इम्प्रूव फॉर यू. तो अगेन बहुत अच्छी एनर्जी है. चलिए देख लेते हैं. ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें और देखना चाहूँगी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल. ओह सो ओके, आपकी लाइफ में इट्स अबाउट गिविंग योर सेल्फ अ चांस. पर्सनालिटी चेंज दिखाई दे रहा है मुझको, और हो सकता है कि चीज़ें आफ्टर न्यू मून, मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं आपके लिए. ओके, और ऐसा लग रहा है कि कुछ खुशी आ सकती है, कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है. न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू. नया कुछ स्टार्टअप हो सकता है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, तो लॉट ऑफ ऑप्शन कमिंग थ्रू. ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है. सन इज़ एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव, तो कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है. इवन अ चाइल्ड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन अ फैमिली, वो भी पॉसिबल है. चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है. अबंडेंस, अपने आप को बैलेंस करके रखिए. और पास्ट में से निकलना बहुत ज़रूरी है प्लीज़, बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ्स का कार्ड आ रहा है. दैट मीन्स कि समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू. और वो क्या है, दैट या तो आप पास्ट बैगेज बहुत कैरी करते हैं, और मे बी इट्स अबाउट दैट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट राइट नाउ राइट हियर. मतलब हो सकता है आप पास्ट बैगेजेस को यू नो फ्यूचर का भी सोचते हैं, अरे कैसे होगा, अरे क्या होगा, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, यू नो दिस हैपेंड, ये हुआ था आपके साथ, वो हुआ था. तो दैट इज़ यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन. यू शुड नॉट अभी फ़िलहाल सोचिए, अभी का सोचिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड यू विल फील वेरी लाइट. आप बहुत अच्छा और हैप्पी महसूस करेंगे. ओके, आई एम सो सॉरी. ओके, हारमोनी. ओके, सो पीस एंड हारमोनी दिखाई दे रही है. आई मीन जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है, बाय लिविंग इन द प्रेजेंट, तो एंजल्स आपको दिखा रहे हैं दैट यू विल फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंट. You will feel very light, positive, connected with yourself. और खुद से प्यार करना बहुत जरूरी. 10 of cups एनर्जी आ रही है, इसका मतलब खुद में खुश रहना, बहुत ज़्यादा खुश रहना. यहाँ पे दो डॉल्फिन्स दिखाई दे रही हैं. दैट मीन्स इट्स इन योर ओन माइंड. अगर कोई कमी है तो वो कमी नहीं है, वो आपके माइंड में वो चीज़ है. अदरवाइज एवरीथिंग इज़ देयर ऑलरेडी, लेकिन आपके माइंड में है शायद कि नहीं ऐसा है या ऐसा है. आप रिलैक्स रहिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए. तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग. आई होप टॉरस आपको पसंद आई हो. टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.